तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया आपको, एक ऐसी लाइन है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली एंगल बना रही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन से ओपी है हमारी और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से अल्फा, एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल बनाए, तो जो डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किया जाता था, एल इक्वस टू कॉस अल्फा, एम इक्वस टू कॉस बीटा और एन इक्वस टू कॉस गामा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब लाइन इक्वली इनका इंक्लाइन है। सपोज ये एंगल थीटा है, से दिस एंगल विल बी थीटा। अब आप सोचिए कि ये जो एल हो जाएगा दैट इज आल्सो कॉस थीटा, एम जो हो जाएगा दैट इज आल्सो कॉस थीटा और जो एन हो जाएगा दैट इज आल्सो कॉस थीटा। बट हम लोग एल कॉमा एम एम जो तीनों डायरेक्शन को साइंस होते हैं, इनमें रेशियो होता है आपका, इन रेशियोज़ में रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है, वन होता है फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एल, एम और एन। तो यहाँ वैल्यू रख दी जाए तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वल्स टू वन हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन। तो कॉस जो थीटा आ जाएगा आपका, कॉस थीटा बिकम प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एल हो गया दैट आल्सो कम्स आउट टू बी प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, जो एम हो गया दैट आल्सो कम्स आउट टू बी प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री एंड एन आल्सो कम्स आउट टू बी प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।